हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पेज नंबर 172, सम नंबर 1, राजा रानी एंड प्रधान. नाउ आई एम नॉट टेकिंग एनी बेसिक प्रॉब्लम ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. ओनली वन प्रॉब्लम आई हैव सॉल्व्ड यस्टरडे. नाउ आई एम टेकिंग दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक बिकॉज द टॉपिक इज वेरी सिंपल एंड ऑलरेडी इफ यू हैव अंडरस्टूड एडमिशन ऑफ पार्टनर देन द स्टेप्स देन द प्रोसीजर टू सॉल्व रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आर द सेम. When you look at the question, the first step will be reading the adjustments and doing tick markings. Goodwill, second adjustment is stock, furniture, machinery, debtors, creditors. Tick mark on there. Kar diya tick mark? Okay, chalo tick mark kar diya. Mera dusra kaam. अंधा आदमी लाल लाल कपड़ों को रोज चमकाता. असेट असेट, लाइबिलिटी लाइबिलिटी, कैपिटल कैपिटल, कैश कैश, रिजर्व कैपिटल रिजर्व. कीज का, पार्टनर्स का, क्लियर है? तो ये पोस्टिंग तुम लोग कर सकते हैं, बहुत बार किया है. चलो स्टार्ट करते हैं. कैश 7600, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7600. डेटर्स इज एन असेट. Debtors is an asset, that is 18,000. Next is stock is an asset, that is 17,500. Next, machinery is an asset, that is 30,000. Land is an asset, that is 7,000. Furniture is an asset, that is 5,000. Adjustment here. Next, liability. Creditors is a liability. Adjustment here. That is 11,200. Next, bank overdraft is a liability. That is 9,700. रिजर्व किस का, पार्टनर्स का. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले कैपिटल लिख दो कितना है. 42,000, 37,000, 33,200 बाय रिजर्व फंड. रिजर्व फंड is 15,000. The ratio is 5:3:2. मतलब 3,000, 4,500 और 9,000. बराबर 7,500. Sorry. 7,500, 4,500 and 3,000. Check कर लो एक बार. 5:3:2. So 5:3:2 में divide कैसे करने का समझ में आता है ना? जो amount है 15,000 into 5/10. 15 into 3 divided by 10, total 5, 5, 3, 2 का 10 होता है, okay? आगे चलते हैं. So with this we complete the postings. Postings are over. Now let us come to the adjustment part. Posting समझ में आ गया सबको? अंधा आदमी लाल लाल कपड़ों को रोज चमकाता. That's it. That means we can solve the adjustment. Adjustment number 1 talks about goodwill. Goodwill of the firm will be raised in the books at 20,000. Goodwill raise kiya. Admission of partner may be entry fee. अगर तुमको याद रहेगा तो admission of partner में हमने entry मारा था goodwill account debit to old partners. Old profit sharing ratio. Goodwill raise का entry. सेम लॉजिक अप्लाइज हियर ऑल्सो. गुडविल रेस किया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. गुडविल किस का, ओल्ड पार्टनर्स का. और रेस कर रहे हैं तो गुडविल बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट टाटा टाटा डेबिट टू राजा रानी एंड प्रधान. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल? दैट इज 20,000, 10,000, 6,000, 4,000. 5:3:2 करके एक बार चेक कर लो.
गुडविल अकाउंट तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू राजा, टू रानी, टू प्रधान, 10,000, 6,000, 4,000. राजा रानी प्रधान तारा अकाउंट में सूरत क्रेडिट में बाय गुडविल 10,000, 100,000, 12,000. अरे बराबर है, इजी. आगे चलते हैं. एडजस्टमेंट नंबर टू, गटर फालतू थर्ड क्लास एडजस्टमेंट्स. स्टॉक रिड्यूस बाय 10%. चलो चलो चलो, लेस डेप्रिसिएशन 1750, 10% स्टॉक टू स्टॉक 1750. इजी के हार्ड, इजी के हार्ड, हार्ड के इजी, इजी. फर्नीचर बाय 5%, लेस डेप्रिसिएशन 5%, 5% 250. अरे बराबर ना, 10% 500 होता है. तो टू फर्नीचर कितना? 250. आगे चलत बा. मशीनरी बाय 11%. तो मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, मशीनरी का 11% बोलेगा तो कितना आएगा? वेरी गुड, 3,300. शाबाश, 3,300. टू मशीनरी कितना? 3,300. आगे चलत बा. आगे कहा आरडीडी 5% वा. कहा आरडीडी 5 कहा है ए? लेस आरडीडी 5% बोले तो 900 आ. अरे बराबर. तो दूसरा इफेक्ट जो हो टू आरडीडी कितना रे? 900. आगे चलता 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स में से 200 को राइट ऑफ करवा. तो लेस राइट ऑफ 200. क्रेडिट लायबिलिटी में लेस किया क्रेडिट, क्रेडिट में लेस किया डेबिट, क्रेडिट में लेस किया डेबिट. दूसरा इफेक्ट क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स 200. That means we complete the problem. No, there is a last adjustment of retirement. Retirement का adjustment है. Out of the amount due to Pradhan, 5,000 is to be paid immediately in cash and the remaining amount is transferred to his loan account. Out of the amount paid to Pradhan, 5,000 is to be paid in cash. अच्छा, एक बात याद रखना, हमेशा थोड़ा confusion वाला बात है. है कुछ नहीं लेकिन confusion है. राजा रानी प्रधान में से हु इज रिटायरिंग? प्रधान. हु इज रिटायरिंग? प्रधान. तो जो रिटायर हो रहा है ना उसको पेंसिल से सर्कल करके ले लेंगे. नहीं तो हम लोग क्या सोचते हैं, हमेशा जो लास्ट पार्टनर रहता है वो रिटायर होता है और हम लोग उसके अकाउंट में अमाउंट डाल देते हैं. कभी कभी बीच वाला पार्टनर रिटायर हो जाता है. समझ में आ रहा है? ये मिस्टेक नॉर्मल होता है, इसके लिए बता दो. अब बोला है जितना अमाउंट प्रधान को रिटायरमेंट पे देना है उसमें से 5,000 रुपए हम कैश देंगे उसको. चलो प्रधान को कैश दे दो 5,000 रुपए, एंट्री आएगी. आएगी. प्रधान को कैश दे दो 5,000 रुपए, एंट्री आएगी ना? आएगी. तो मैं ये एंट्री रफ कर देता हूँ और एंट्री लिखता हूँ. एंट्री क्या है? कैश देना है. पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा. टू कैश कितना देना है? 5,000. किसको देना है? प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000. प्रधान तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू कैश. कैश कैश तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय प्रधान कैपिटल कितना? 5,000. अरे बराबर, इजी के हार्ड, इजी. बराबर, दैट मींस वी कंप्लीट द प्रॉब्लम. पहला अकाउंट बंद करेंगे. कौन सा अकाउंट? ये वाला अकाउंट. चलो बोलो, बोलते जाओ. 1750, 2, 3, 5, 5 और 1, 6,200. 6,200 माइनस 200, 6,000. किसका? पार्टनर्स का. बाय पार्टनर्स कैपिटल राजा रानी प्रधान तीनों का, दोनों का नहीं. एडमिशन में हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं, इसमें 3 में. तिकड़े येणार 3,000, नंतर येणार 1,800 आणि 1,200. इकडे क्रेडिट तर इकडे डेबिट. टू प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंट. 3,000, 1,800,
1200 इजी। फिर बंद करेंगे कैपिटल। कैपिटल में पहले जो पार्टनर रिटायर होता है ना उसको बंद कर दो। 33 + 3 = 36 40,200 - 6 = 34,000 चेक कर लो है क्या बैलेंस। 34,000 बराबर है, चेक कर लो। ये जो पैसा प्रधान को देना है वो लोन है। वो क्या है? लोन। टू प्रधान्स लोन अकाउंट। यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे लोन मतलब लायबिलिटी। प्रधान्स लोन अकाउंट हाउ मच? वेरी गुड। आगे चलते हैं। इसको बांध करते हैं, इसको बांध करते हैं। चलो 37 + 10 47,500 इजी हाई। 47 में से एक गया तो 46 में से 500 गया तो 46 में से 300 गया तो 45,007 चेक करो। सॉल्यूशन दिया है, चेक करो। ये 2 यहाँ पे 42 52 59,500 चेक करो। 59,500 चेक करो। 56,500 चेक करो। टू बैलेंस कैरी डाउन डेबिट तो इधर क्रेडिट कैपिटल राजा रानी हाउ मच? 56,500 47,000 45,000 ओके। फिर इसको बंद करेंगे तो वो टैली होएगा, ऐसा टैली नहीं होएगा। 7,600 तो 2,600 बाय बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट तो इधर डेबिट वर्किंग नोट नंबर 1 2,600 गुडविल अकाउंट बंद करेंगे। इधर आएगा 20,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट तो इधर आएगी डेबिट वर्किंग नोट नंबर 2 दैट इज 29,000 सो दिस वॉज आवर टूडेज प्रॉब्लम। वेरी इजी सिंपल। With this we stop. Shahid Memon signing off.